समुद्रस्य हिमादृश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्रिसन्तति नमस्ते वेलकम टू दिस एपिसोड वी आर इन दिस सिटी ऑफ उज्जैन बिहाइंड मी यू कैन सी द टेंपल ऑफ महाकालेश्वर आई एम स्टैंडिंग ऑन विक्रमादित्य हिल उज्जैनी इज अ वेरी ओल्ड सिटी उज्जैनी मीन्स द विक्टोरियस सिटी द सिटी ऑफ विक्ट्री वी मे नो इट एज उज्जैन टुडे But it has had many other names in the past. It has been known as Vishala, which gives us an idea of the size it used to have. It has been known as Padmavati, which means that the goddess Lakshmi resides here. It was a city that was a prosperous city. It was a wealthy city. All of us have heard, or most of us have heard, of the famous Shloka about the 12 Jyotirlingas, Jyotirlingams. It begins, Saurashtre Somanatham Srishaile Mallikarjunam Ujjainyang Mahakalam. We know Ujjaini today because of Mahakaleshwar. But Ujjaini is much more than that. भारतीय संस्कृति के जीवंत प्रमाण का प्रतीक उज्जैन योगेश्वराय महादेवाय सिर्फ भौतिक नगर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है योगेश्वराय कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन को उज्जैनी अवंतिका विशाला पद्मावती कनक श्रृंगा के नाम से भी पहचानते हैं प्राचीन महानगरों में से एक इस नगर के जैसे नाम अनेक हैं, उसी तरह इस नगर की पहचान भी अनेक है सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को महाकाल की नगरी के अलावा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से लेकर महाकवि कालिदास राजा भर्तृहरि और महान ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की नगरी के रूप में भी जानते हैं उज्जैन के हर एक नाम से लेकर हर एक किरदार में एक कहानी छिपी है दुनिया के किसी भी नगर में एक साथ इतनी महानता और महत्व कम ही मिलेंगे जितने उज्जैन में हैं। एक तरफ काल गणना का केंद्र ज्योतिष की जन्मभूमि और स्वयं भू ज्योतिर्लिंग भूत भावन भगवान महाकाल की नगरी है तो दूसरी ओर भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली और उनके गुरु महर्षि सांदीपनि की नगरी है यह है उज्जैनी का महत्वपूर्ण स्थान महर्षि सांदीपनि का आश्रम जहां दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा हासिल की भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के इसी आश्रम में 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया पहली कला का है नाम है गीत भगवान श्री कृष्ण ने गायन वादन नृत्य संगीत और शब्द ज्ञान समेत ऐसी 64 कलाओं का ज्ञान यहाँ अपने भाई बलराम और अनन्य मित्र और सखा सुदामा के साथ यहाँ हासिल किया ये महर्षि सांदीपनि आश्रम का वो क्षेत्र है जहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए 64 कलाओं का जिक्र किया गया है कि आखिर वो कौन सी 64 कलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ महर्षि सांदीपनि के आश्रम में सीखी अनादि नगरी अवंतिका का उल्लेख पुराणों में इस तरह मिलता है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका अवंतिका यानी उज्जैन उन सप्तपुरियों या सात तीर्थ स्थानों में शामिल है जिन्हें पुराणों के मुताबिक मोक्षदायक माना गया है सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों से सजी धजी उनकी राजधानी उज्जैनी में धन्वंतरी शपणक अमर सिंह शंकु
बेताल भट्ट, घट खरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि जैसी विभूतियां थीं। महाकवि कालिदास विश्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उज्जैनी से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है, तो बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने अपने साहित्य में कालिदास ने किया है। उनकी जो रघुवंशम नाम का जो महाकाव्य है, उसमें इंदुमती और अज के स्वयंवर का जो वर्णन है, उसमें उज्जैनी के राजा का वर्णन, वो भी उज्जैनी के राजा भी वहाँ पहुँचते हैं, उसका वर्णन भी वे करते हैं। मेघदूत में विशेष रूप से उन्होंने मेघ को जो मार्ग दिखाया है, वो निश्चित रूप से उज्जैनी के प्रति उनका आकर्षण है। विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की प्रचलित कथाओं में भी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़े अनेक रहस्य हैं। पावन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकाल की इस भूमि, उज्जैन से जुड़े और भी कई रहस्य हैं। कहा जाता है कि उज्जैन पूरे आकाश और पृथ्वी का मध्य स्थान यानी केंद्र भी है। यही वो जगह है जहां से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है और काल गणना होती है। इस क्षेत्र का केंद्र स्थल महाकालेश्वर का मंदिर माना जाता है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस तरह भी किया गया है। आकाशे तारकम लिंग पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमोस्तुते। यानी जो भगवान शिव आकाश में तारक, पाताल में हाटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकाल बनकर विराजते हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। भगवान महाकालेश्वर की जो यहाँ की जो शास्त्रों में, पुराणों में, अवंतिका खंड में और इनका जो वर्णन है वो बड़ा ही दिव्य है। और पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ज़्यादा विशेष करते महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का काफ़ी नाम सारे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के जो भस्म वगैरह जो भगवान पे चढ़ती है, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की जो भस्मा आरती है, उसी के कारण इस मंदिर का और उज्जैन का नाम विख्यात है। ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और सिंहस्थ की भूमि उज्जैन को मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। यहाँ के अंगारेश्वर मंदिर के पास से कर्क रेखा गुजरती है। इस तरह सदियों से आस्था और ज्ञान के केंद्र उज्जैन को संपूर्ण तीर्थ कहा जाता है। दिस वॉज अ सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। वराहमिहिर इज एसोसिएटेड विद दिस सिटी। टुडे वी नो ऑफ ग्रेनविच एज द 0° लॉन्गिट्यूड प्लेस। एट दैट टाइम Ujjaini used to be the 0° longitude. A little north of the city, we have the Tropic of Cancer. It was the center of Bharatvarsha. उज्जैन के बारे में हम और भी जानेंगे, हम बातें करेंगे यहीं के मशहूर पंडित संस्कृतज्ञ डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित के साथ। नमस्ते राजपुरोहित जी। नमस्कार। इतिहास कार्यक्रम में आपका स्वागत। आपका नमस्कार, प्रणाम। इनका परिचय मेरे लिए करवाना असंभव है। बहुत इनका ग्रंथ है, भोजराज के बारे में बहुत इनका शोध है। आज इनसे थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। मैंने कहीं पढ़ा कि आजकल जैसे हम मानते हैं कि ग्रेनविच 0° लॉन्गिट्यूड है, उस समय माना जाता था कि उज्जैनी 0° लॉन्गिट्यूड है और उज्जैन से थोड़ा ही उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है। तो एक तरह से ये भारतवर्ष का केंद्र था। जो आपने बिल्कुल समुचित कहा है कि उज्जैन एक समय और आज भी पंचांग का जो क्रम है वो उसके उज्जैन के समय के अनुसार ही बनता है। और यहाँ से जैसा कि वराहमिहिर ने भी लिखा है और उससे पहले सूर्य सिद्धांत में भी आया है
और बाद के विभिन्न ज्योतिष की पुस्तकों में आया है कि जो उत्तर से दक्षिण जाती हुई जो तत्कालीन भूमध्य रेखा थी वो लंका से उज्जैन और उज्जैन से उत्तर मेरु तक जाती थी, तो मध्य स्थान जो है वो उज्जैनी रहा है और यहाँ से उसकी गणना होती थी और इसीलिए विक्रमादित्य ने उस गणना को सार्थक करने के लिए अपना संवत चलाया और यहाँ से उस गणना को अरबी में इसीलिए अजीन कहा जाता है। अजीन मतलब केंद्र का बिंदु और अजीन उज्जैन का बोधक भी है। मगर उज्जैन का नाम मैं जानता था, सिटी ऑफ विक्टरी, विक्टोरियस सिटी, इस मीनिंग में जानता था, मगर आजकल हम उज्जैन नाम से जानते हैं, उज्जैनी नाम से जानते हैं। उज्जैनी का और भी कई नाम हुआ करता था, विशाला, पद्मावती, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। कालिदास ने मेघदूत में लिखा है कि श्री विशाला विशाला, यानी ये उज्जैन जो थी ये विशाला थी। विशाला इसलिए थी कि केवल आकार प्रकार में भी विशाल नहीं थी बल्कि समृद्धि में भी विशाल थी। यहाँ की संस्कृति विशाल थी, यहाँ की आकर्षण विशाल था, ये सारे संसार के लिए आकर्षण का एक केंद्र था, ये चतुर्भाणी से भी हमको प्रकट होता है। तो यहाँ पे सब दिशाओं से यहाँ पर आते थे। तो ऐसे पद्मावती जो है, चूँकि यहाँ पर लक्ष्मी का निवास था इसलिए पद्मावती उसका नाम था। और इसी तरह से जो स्वर्ण शंगा कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ के हर भवन के ऊपर उस समय इतने समृद्ध से सारी जनता कि हर भवन के ऊपर शिखर जो है वो सोने का शिखर होता था। तो इस तरह से उसकी जो भिन्न 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 नाम हैं, उन नामों में उसकी संस्कृति जो है वो और उसकी जो महत्ता है वो प्रकट होती है। और इसमें अवंती खंड में, स्कंद पुराण के अवंती खंड में उन नामों के विशेषताओं की विस्तार से चर्चा की गई है। हम खड़े हैं विक्रमादित्य टीला के सामने। हमें दर्शकों को विक्रमादित्य और भोजराज के बारे में थोड़ा सा बताइए। इतिहास काल में उज्जैन में सबसे महत्वपूर्ण राजा विक्रमादित्य का नाम आता है। विक्रमादित्य की महिमा आज तक लिखित रूप में, लोक परंपरा में, अनुश्रुतियों में, गीतों में, गाथाओं में और साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। और आज भी झोंपड़ी से लेकर के महल तक सभी विक्रमादित्य का नाम और यश जानते हैं। उस विक्रमादित्य के कई कथाएं, उनके यश के गीत प्राचीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। यही नहीं, विक्रमादित्य के काल में ही, थोड़ा सा उत्तर काल में, विक्रमादित्य की दान की महिमा हाल की गाथा सप्तशती में प्राप्त होती है। उसके जो विभिन्न जीवन की जो महत्वपूर्ण कथाएं हैं वे गुणाढ्य की बृहत कथा में प्राप्त होती है और बाद में उसका विकास धीरे धीरे होता चला गया। अपने समय ही वह कथा कहानियों का नायक बन गया था और श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में उसकी गिनती होने लग गई थी। एक दत्त न्यायवेत्ता के रूप में उसकी गिनती होती थी। अपने समय का वो इतना महत्वपूर्ण सम्राट और राजा हो गया था कि उस समय के बाद में जो महत्वाकांक्षी जितने भी राजा हुए उन सब ने विक्रमादित्य उपाधि धारण करना आरंभ कर दिया। और ये क्रम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लगा करके और हेमू तक चलता रहा। विक्रमादित्य के नाम के साथ साथ कालिदास का नाम अक्सर जोड़ा जाता है।
तो कालिदास और नवरत्न के बारे में थोड़ा सा बताइए। विक्रमादित्य न केवल राजा था बल्कि एक विद्वान और विद्वानों का आश्रय दाता भी था। वो अपने समय के जो श्रेष्ठ कवि थे, विद्वान थे, उन सबको उसने अपनी सभा में सम्मान दिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि कालिदास का नाम है। कालिदास का नाम सारे संसार में एक श्रेष्ठ कवि के रूप में लिया जाता है। कालिदास के संबंध में कई कहानियाँ भी प्राप्त होती है और वो कहानियाँ विक्रमादित्य से पारिवारिक संबंध जोड़ने वाली कहानियाँ भी हैं। लेकिन उसके साथ ही कालिदास एक नाटककार, श्रेष्ठ नाटककार और श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल सबसे प्रसिद्ध नाटक है और कहते हैं कि संस्कृत की परंपरा में वो सर्वोत्तम नाटक है। मगर अगर उज्जैनी के बारे में बात करें तो शायद मेघदूतम में ज़्यादा जिक्र है। मेघदूत कालिदास का सबसे छोटा काव्य है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काव्य है, इसलिए कि उसने उज्जैन और आसपास के पूरे परिसर का एक महत्वपूर्ण ऐसा विवरण दिया है जो अद्वितीय है और वैसा संस्कृत साहित्य में दूसरा नहीं है। यहाँ के महाकाल के नव रूप का, महाकाल की सांध्य आरती का, यहाँ से महाकाल के पास से बहती हुई गंधवती नदी का, जो कि आज दिखाई नहीं देती है, उस समय छोटी सी नदी थी, उसका भी उसको उसने स्मरण किया है। यहाँ के बाजारों का, यहाँ के व्यापार की समृद्धि का उस समय की उसने। थोड़ा बहुत अमर सिंह और वराहमिहिर के बारे में भी बताइए, क्योंकि उज्जैन का ऐतिह्य रहा है ज्योतिष का, और जो भी संस्कृत पढ़ते हैं अभी भी अमरकोश व्यवहार करते हैं। अमरकोश जो है जगत पिता कहा जाता है। जगत पिता मतलब संस्कृत भाषा का पिता, तो भाषा का ज्ञान जो है वो अमरकोश के बिना अधूरा माना जाता है और सबसे पहले बच्चों को वही पढ़ाया जाता है। तो ऐसे अमरकोश का रचयिता जो अमर सिंह कवि है, वह भी नवरत्नों में से एक था, और न केवल नवरत्नों में से एक था और केवल कोशकार था बल्कि एक श्रेष्ठ कवि के रूप में भी उसकी गिनती होती रही है। यही नहीं, उनके साथी जो वराहमिहिर थे, वराहमिहिर ज्योतिष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है, और बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए वो वराहमिहिर के अनुकरण के ऊपर और उसको उद्धृत करते हुए लिखे गए। तो वराहमिहिर ने चाहे गणित हो, चाहे फलित हो और चाहे संहिता हो, हर क्षेत्र में उसने ग्रंथ लिख करके और एक मानदंड स्थापित किया है। ज्योतिष के क्षेत्र में दिशाएं बताई है उसने। साहित्य की बात अगर हम कर रहे थे तो भर्तृहरि के बारे में भी तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि भर्तृहरि का नाम भी जुड़ा हुआ है उज्जैनी के साथ। परंपरा कहती है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य का अग्रज था और बाद में वह राज्य छोड़ करके और साधु हो गया। उसका स्थान उज्जैनी में भर्तृहरि गुफा है, जहाँ पर उसने पहली बार यहाँ पर साधना की शिप्रा तट के ऊपर, और यहाँ से फिर वो आगे बढ़ा। देश में कई स्थानों पर भर्तृहरि गुफा है, चुनार में है और वहाँ पे गुजरात में भी है और अन्यत्र भी है। तो जहाँ जहाँ जाकर के उन्होंने साधना की या उनके अनुयायियों ने साधना की, वो अपने भर्तृहरि के नाम से हो गया। भर्तृहरि केवल साधु संन्यासी और राजा ही नहीं थे बल्कि एक विद्वान और महाकवि थे। उनके तीन शतक सबसे प्रसिद्ध हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये एक प्रकार से जीवन की पूरी धारा आ जाती है।
नीति एक शासक के लिए और आम जीवन के लिए आवश्यक है। नीति के अनुसार यदि जीवन जिया जाए तो नैतिकता बनी रहती है। तो दूसरा श्रृंगार जो है वो पारिवारिक जो परिवेश जो है उसको समृद्ध करता है और उसको नियंत्रित भी करता है। और वैराग्य जीवन की जो विरति है उस विरति को प्रकट करता है। यही नहीं बल्कि वाक्यपदीय जैसे ग्रंथ भी उसके प्राप्त होते हैं जिसमें टाइम एंड स्पेस की बात की जाती है। तो दिक और काल की चर्चा विस्तार से यदि कहीं देखना होती है तो प्रामाणिक रूप में वैज्ञानिक रूप में उसमें देखा जाता है। यही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि एक सिद्ध कवि तो था ही सही वो, लेकिन उसके साथ ही वह एक रस सिद्ध था। तो रस का मतलब पारा होता है। तो पारा जो है उस पद्धति को उस विज्ञान को भी वो रसायन को जानता था। आई एम ग्लैड यू मेंशनड इट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक भर्तृहरि इज ओनली अबाउट वैराग्य शतक, बल्कि नहीं, श्रृंगार शतक इज ऑल्सो ब्यूटिफुल पोएट्री। नीति शतक वी कोट ऑल द टाइम विदाउट रियलाइजिंग इट इज भर्तृहरि। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि उज्जैन का मतलब सिर्फ धर्म अर्थ मोक्ष नहीं था, उस समय काम का भी स्थान था उज्जैन। आपका सबसे प्रिय कई भर्तृहरि का श्लोक है क्या, या सभी प्रिय है? दिक् काला जनवच्छन्नानंत जन्मात्र मूर्तये सानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। मेरा सबसे प्रिय है भर्तृहरि। ऐसा है ना, ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तंग वयमेव तप्ता कालो न जाता वयमेव जाता तृष्णा न जीर्णा वयमेव। धन्यवाद राजपुरोहित जी, आपने हमारे आमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ आए, हमें दर्शकों को उज्जैन के बारे में बहुत कुछ बताया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज विक्रमादित्य स्टैच्यू बिहाइंड मी। All around me you can see the Navaratnas that were mentioned a little while ago. Ujjain is also one of the four places where a Purna Kumbha and also an Ardha Kumbha takes place. यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शिप्रा नदी की ओर। I am standing in front of the river Shipra. We say Shipra in Sanskrit. It is Shipkhipra, which means a swift flowing river. Shipra as we see it now is not particularly swift flowing, but as you can see it's full of water. Jahan main khada hu yahi pe Singhast ka Kumbh Mela hota hai. Singhast kyun? Because the position is determined by the positions of Surya, Chandra and Brihaspati. When Brihaspati is in Singha Rashi, the constellation of Leo, the Kumbha Mela happens in Ujjain. The last such Kumbha Mela happened in 2016, right here where I am standing. It will again happen in the year 2028. There is a Sandhya Arati that is performed in Shipra. We are here just in time to watch the Sandhya Arati. अगले एपिसोड में हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी इतिहास को। What are the different types of temples we have? विंध्याचल पर्वत के उत्तर में बहुत से मंदिर खो गए हैं, लेकिन thankfully विंध्याचल के नीचे बहुत से मंदिर बचे हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा जो इतिहास था वो कितना समृद्ध था, और वो एक तरह से ओपन हिस्ट्री बुक्स हैं हमारे लिए। समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम
भारतीय त्रिसंतति।